हाँ मंच पर उपस्थित बुद्धिजीवी समाज के लोग, सभी उपस्थित क्रांतिकारी साथी माताओं बहनों, सर्वप्रथम आज के सम्मेलन के लिए मैं पासवान जी को बधाई देते हुए आपसे चंद बात शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, ये हजारों बरस की गुलामी है और इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए हमें कोई कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। आज बाबा साहब द्वारा दिए गए जो संविधान है, जो उसमें हमको अधिकार दिए गए हैं, उसको समाप्त करने की पूरी साजिश की जाती है। हम 85% की बात करते हैं, हम वंचित समाज की बात करते हैं, हम अंबेडकर वादियों की बात करते हैं, हम पैरियार रामास्वामी की बात करते हैं, लेकिन जो वो आंदोलन चले, जो उनकी एक विचारधारा थी, जो उनकी एक फिलॉसफी थी, हम केवल सुनते हैं, उस पे अमल नहीं करते। कल्पना करिए, बाबा साहब का बाल्य अवस्था, पेरियार जी की बाल्य अवस्था और तमाम हमारे महापुरुष जिन्होंने इस दबे कुचले समाज को उठाने के लिए उस समय जब मनुस्मृति पूरी तरह से इस देश में लागू थी, किस तरह उन्होंने संघर्ष किया, हम आज एकजुट हुए, लेकिन इस देश के हम मूल निवासी हैं। इस देश में कभी हम ही लोग राजा महाराजा हुआ करते थे, हमारे साथ साजिश करके हमारे राजपाट को हड़पा गया है। आज भारत है जो तुम्हारा तमाम हमें संविधान का अधिकार जो हमें मिलना है, उस अधिकारों से भी वंचित किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब ये मामूली धरना और प्रदर्शन से काम नहीं होने वाला है, आपको एक कठोर निर्णय लेना होगा। मैं भी एक सामाजिक संगठन का अध्यक्ष हूं, पिछड़ा समाज महासभा, जो पिछड़ गए हैं उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तमाम राज्यों से मेरी भी बात हो रही है और निकट भविष्य में आप देखेंगे तमाम राज्यों की बैठक दिल्ली में होगी और हमारी जो डिमांड होगी, हमारी एक अपनी जो डिमांड है कि जितने भी केंद्रीय कार्यालय हैं, राज्य स्तर के कार्यालय हैं, सभी को भंग कर दिया जाए और पुनः नियुक्ति की जाए। आप देख रहे हैं 70 साल अब बाद भी ना पिछड़ों का कोटा पूरा है ना दलितों का, तो ये साजिश होती रहेगी। हमें एक नए भारत के निर्माण के लिए, हमें उन तमाम वंचितों के अधिकार दिलाने के लिए हमें एक कोई नया इतिहास लिखना पड़ेगा। हमें इस जन आंदोलन को पूरे देश में खड़ा करना होगा और जिस दिन हम इसमें कामयाब हो जाएंगे, निश्चित रूप से हम जो यहाँ के मूल निवासी हैं, एक नए भारत का निर्माण करेंगे। दोस्तों, बहुत से वक्ता हैं, हमको तो आप YouTube पर सर्च करके कभी सम्मान न्यूज देखते रहेंगे, लेकिन हम तमाम लोगों के विचार सुनना चाहेंगे। हम पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद
करूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि आज कोई ठोस निर्णय इस कार्यकारिणी में द्वारा लिया जाएगा और आगे आने वाले दिनों में पूरे देश में एक जन आंदोलन शुरू होगा। जय भीम, जय भारत।